अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजिस्ट पत्तावर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल टर्म्स। बायोलॉजिकल टर्म्स ये कुछ टर्म्स हैं और डेफिनेशंस हैं जो हम जो हैं बायोलॉजी में यूज़ करते हैं। एनाटॉमी, एनाटॉमी हम किसे कहते हैं या कौन सी ये चीज़ है? स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एंटायर ऑर्गेनिजम्स एंड देयर पार्ट्स। एनाटॉमी हम उसे कहते हैं जैसे कि हमारा जो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एंटायर ऑर्गेनिजम्स एंड देयर पार्ट्स। ऑर्गेनिजम्स जो हैं जैसे कि हम हो गए, हमारे स्ट्रक्चर के बारे में और हमारे अंदर जो पार्ट्स हैं उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी। लेकिन अगर आप लोग कहें तो मैं आपको सिंधी में बता सकती हूँ, इंग्लिश में भी बता सकती हूँ, उर्दू में भी मैं बात कर सकती हूँ, जिसमें आपको सही लगे। बाद में मैं ये सारा उर्दू में बता के आपको सिंधी में बताऊँगी। उसके बाद जो सेकंड आता है वो हमारा साइटोलॉजी है, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल। साइटोलॉजी हम सेल की स्ट्रक्चर, मतलब जो सेल का बनावट होती है ना सेल की, उसे और उसके फंक्शन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल में हो गया हमारा जो है, जैसे कि आप देखें सेल मेम्ब्रेन है या उसके अंदर जो भी माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, जो भी चीज़ है उसके स्ट्रक्चर को, मतलब सेल के स्ट्रक्चर को कम्प्लीट को और उसके फंक्शन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ द डिवलपमेंट ऑफ एन एनिमल फ्रॉम द फर्टिलाइज एग टू बर्थ और हैचिंग। एम्ब्रियोलॉजी हम उसको कहते हैं जहाँ जो फर्टिलाइज एग होता है वहाँ से लेकर, एनिमल का जो फर्टिलाइज एग होता है वहाँ से लेकर बर्थ तक या हैचिंग तक, उस स्टडी को हम, उसकी डिवलपमेंट की स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जेनेटिक्स तो वैसे सबको पता है कि वो मैकेनिज्म जो कुछ ट्रेट्स होती हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाती हैं, उस स्टडी को कैसे ट्रांसफर होती है या क्या ट्रांसफर क्या होता है क्या नहीं होता है, उस स्टडी को हम कहते हैं जेनेटिक्स। उसके बाद आता है हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यूज, हमारे अंदर जो टिश्यूज मौजूद हैं उसकी स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। उसके बाद आता है फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर पार्ट्स। फिजियोलॉजी में स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स के सारे फंक्शन एंड देयर पार्ट्स। पार्ट्स हमारे जैसे कि भाई हमारा फंक्शन ऑर्गेनिजम्स का कैसे है, जैसे कि किडनी का फंक्शन हो गया या हमारा जो है होम्योस्टेसिस हो गया, हम वो सारी यहाँ फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ द इंसेक्ट, इंसेक्ट की स्टडी को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। इक्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ फिशेस, फिशेस की जो मछलियाँ होती हैं, कौन सी भी मछलियाँ, उसकी स्टडी को हम इक्टियोलॉजी कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की स्टडी को हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। प्रोटोजूलॉजी, स्टडी ऑफ प्रोटोजुआ, हम प्रोटोजुआ की स्टडी को प्रोटोजुआ, प्रोटोजूलॉजी कहते हैं।